एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद के सभी थानों पर तैनात जनसुनवाई अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद के सभी थानों पर पिछले साल अगस्त माह से जनसुनवाई की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें सभी थानों पर एक उपनिरीक्षक, एक कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल की जनसुनवाई अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी, जिसको 6 महीना पूरा हो गया और उसकी समीक्षा की गई है, जिसमें सभी जनसुनवाई अधिकारी मौजूद थे। इस 6 महीनों की कार्यप्रणाली का सभी जनसुनवाई अधिकारी से फीडबैक लिया गया है। शासन का भी निर्देश है कि जनपद के सभी थानों पर नागरिकों की समस्याओं का त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण हो, जिससे सभी जनसुनवाई अधिकारी को अवगत कराया गया है। इसके अलावा थानों पर फरियादियों के लिए पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था व शौचालय की व्यवस्था पर भी जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनसुनवाई अधिकारी थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समय से निस्तारण करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, किस तरह की बैठक? देखिए, आज यहाँ पुलिस लाइन में जनपद गोरखपुर के सभी थानों पर जो एक जनसुनवाई की प्रक्रिया विगत वर्ष अगस्त के महीने से हमारे द्वारा चलाई गई थी, जिसमें कि सभी थानों पर एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल के रूप में जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। उस प्रक्रिया को 6 महीने पूर्ण होने के बाद आज उस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। सभी जो जनसुनवाई अधिकारी हैं थानों से संबंधित, उनको आज यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था। 6 महीनों में इस प्रणाली को किस तरह से चलाया गया, उनसे फीडबैक लिया गया है। और विशेष रूप से जो प्रदेश सरकार की सबसे उच्च प्राथमिकता है कि थानों पर और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके लेवल पर जनता की सुनवाई हर हाल में हो, उनकी समस्याओं का वहीं पर निस्तारण, त्वरित निस्तारण और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, इस चीज़ को पुनः उन सभी को बताया गया है। और जिस तरह की कंप्लेंट्स उनके पास आ रही हैं और विशेष रूप से जो भी कंप्लेनेंट आता है उसको कैसे बिठाना है वहाँ पर, उनको पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और अन्य जो उनकी सुविधाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे जनसुनवाई अधिकारी जो कि थानों पर नियुक्त हैं, वो आने वाले प्रत्येक प्रार्थी की समस्या का ना केवल सुनवाई करेंगे बल्कि उनको त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने का भी पूरा प्रयास करेंगे और ये प्रणाली आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी।